गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने सोमवार को जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम गुर्जर नेता राजेंद्र कसाना के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। एमबीसी आरक्षण की अधूरी मांगों को पूरा करने के आंदोलन के दौरान 2006 से 2020 तक लगे केसों को वापस लेने, शहीदों को नौकरी व मुआवजा देने सहित भर्तियों का स्तर राज्य स्तर पर रहे तथा बैकलॉग की भर्तियां की जाएं, इन सब मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इसके साथ ही 2018 की 372 अभ्यर्थियों का कोटा पूरा हो और देवनारायण योजना में चल रहे स्कूल की पढ़ाई और खाने का स्तर में सुधार किया जाए, इसके साथ ही विभिन्न मांगों को भी ज्ञापन में जोड़ा गया। इस दौरान गहलोत सरकार की वादा खिलाफी के भी आरोप लगाए गए। इस दौरान कसाना ने कहा कि 24 तारीख को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम करौली महावीर जी में है, वहाँ गुर्जर समाज उनका विरोध करेगा और काले झंडे दिखाएगा। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान के आह्वान पर आज गुर्जर समाज समस्त अलवर जिले का जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया है, जिसमें राजस्थान सरकार गहलोत की सरकार ने 2019 में जो संघर्ष समिति से समझौते किए थे नौकरियों को लेकर के, केसों की वापसी को लेकर के, मुआवजा को लेकर के और हमारी सुविधाओं को लेकर के, बच्चों के वो जो सुविधा दी इसको विद्यालयों में, उन सब को लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया, मांग रखी है। पिछले 4 साल से हम लगातार समझौते के बाद प्रयास कर रहे हैं हमारी मांगों के लिए, लेकिन गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार राजस्थान में उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही। उसके बावजूद सरकार के 1 साल बची और वादा खिलाफी कर रही। इस वादा खिलाफी को लेकर के पूरे राजस्थान में, गुर्जर समाज में, एमबीसी समाज में भयंकर रोष और आक्रोश है और हम विरोध कर रहे हैं इस बात का कि हमारी मांगों को माना जावे। अगर तुरंत मांग नहीं मानी गई तो हम बड़ा आंदोलन की रूपरेखा बनाने जा रहा है समाज और धरना प्रदर्शन और विरोध करेगा, इससे अवगत कराने आज ये पूरा समाज यहाँ आया है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।